हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कान्हा जी का फेवरेट प्रसाद धनिये का और ड्राई फ्रूट लड्डू, जो कान्हा जी को बहुत ही पसंद है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कटोरी धनिया लिया है। अब इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। देखिए, हमने अच्छी तरह से इसको पीस लिया है। अब हम कढ़ाई लेंगे, इसमें मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ मैंने काजू और बादाम लिए हैं, इनको हम रोस्ट कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्का से रोस्ट करना हमें। तो देखिए, हमारे ये ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं, इसे निकाल लेंगे। अब इसी घी में मैं मखाना ऐड कर रही हूँ, इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। तो मखाने भी हमारे रोस्ट हो गए हैं, इसे भी निकाल लेते हैं। मैं दोबारा इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ। इसमें हम पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और इसे भून लेंगे। स्लो गैस पर हम इसे भूनेंगे, वरना ये बहुत जल्दी जल जाता है। ये हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। देखिए, हमारा यह धनिया का कलर चेंज हो गया है, ऑलमोस्ट ये हमारा भुन गया हुआ है। अब इसमें मैं नारियल ऐड कर रही हूँ। ये सूखा हुआ नारियल है, इसको मैंने काट लिया था। गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए, ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैं आधी कटोरी पीसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। अब इसी में मैं अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी, मखाना भी ऐड कर दूंगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारे ये धनिया का प्रसाद रेडी है। फ्रेंड्स, आप भी इस जन्माष्टमी में ज़रूर बनाएं और कान्हा जी को भोग लगाएं। चलिए, अब हम ड्राई फ्रूट लड्डू बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले पैन में मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं बादाम ऐड करूँगी। बादाम को मैंने बारीक बारीक काट लिया था।
अब इसी में मैं काजू डाल रही हूँ, इसे हम रोस्ट कर लेंगे। अब मैं इसमें किशमिश और पिस्ता ऐड कर रही हूँ, इसको भी हम एक मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा नारियल डाला मैंने, इन सबको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। एक से दो मिनट लगेंगे हमें इसे रोस्ट करने में। अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 4 चम्मच शहद डाल रही हूँ। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए हमारा ये मटेरियल ठंडा हो गया है। अब हम अपने हैंड्स पर घी लगाएंगे और इसे लड्डू का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से हम इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। इन्हें बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए मैंने अपने ड्राई फ्रूट लड्डू तैयार कर लिए हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।